hello students today we are going to study the chapter number 2 in the civic section of social science for class 8th understanding secularism here we talk about what is the secularism and what is the secular state and in india which type of secularism is there and uh, uh, do you know that uh, is india follow any secularism or not and if uh, what is the impact or imp uh, what is the effect of this secularism on the country, and uh, regarding those reasons, uh, this secularism is not followed in India. Uh, what are the reasons behind that? These all things are we discuss in this chapter. So, let me start this chapter chapter number two uh, understanding secularism. Uh, when we talk about this uh, secularism, so what is the secularism uh, first comes in our mind what is the secularism so secularism is the uh, refers to this separation of religion from the state it means any type of religion that should be not followed by any type of state or country that state or country is called a secular state or country okay so in indian constitution which allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpreted these but

नहीं मानता बल्कि वो सभी धर्मों को बराबर अपॉर्चुनिटी देता है और बराबर सम्मान भी देता हो और वो राजा या कह लो कि वो राज धर्म के रूप में किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को स्वीकार ना करके वो सभी धर्मों को बराबर इक्वलिटी देता हो बराबरी देता हो तो वो कहलाता है स्टेट सेक्युलर स्टेट अब जैसे हमारा भारतीय संविधान बनाया गया है तो भारतीय संविधान में जो भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के लिए इंडिया के लिए जो हमारे स्टेट की पावर है या कह लीजिए कि हमारे राज्य की जो शक्ति है वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म में निहित नहीं है कहने को तो हमारा देश हिंदुस्तान है लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो सभी धर्मों के माने जाने वाले हैं जैसे कि हिंदू धर्म है मुस्लिम धर्म है सिख ईसाई यानी कि यहाँ पर हर प्रकार का व्यक्ति रहता है जो अलग अलग धर्मों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन अलग अलग धर्मों को मानने वाले यहाँ पर लोग रहते हैं और अगर हमारे देश का कोई एक पर्टिकुलर धर्म उसको राजधर्म बना दिया जाएगा तो ऐसा होगा कि उस पर्टिकुलर धर्म के मानने वाले लोग ही सभी जितने भी अदर धर्म के लोग होंगे उन पर अपनी मेजोरिटी को शो करेंगे और वो फिर आगे जा कर के ये जो माइनॉरिटी में लोग जो होंगे उनके ऊपर एक टैरनी सी कस देंगे कि उनको डर लगेगा हमारे देश में रहने से भी और उस तरीके से जो है धर्म धार्मिक झगड़े दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे लोगों में धर्म को लेकर के इतनी आस्था होती है कि वो अपने ही धर्म को सर्वोपरि समझने लगते हैं और इसी वजह से क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे धर्म का फिर सम्मान नहीं करेगा और जो व्यक्ति का धर्म राजधर्म माना जाएगा तो उसी के धर्म के माने लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझेंगे बहुत ऊपर समझेंगे बहुत ऊंचा समझेंगे और दूसरे धर्म को इन्फीरियर समझेंगे और इसीलिए ये सब लड़ाई झगड़े दंगे फसाद कॉन्फ्लिक्ट हों एक व्यक्ति अपने धर्म को बहुत ऊंचा ना माने और एक व्यक्ति अपने धर्म को बहुत नीचा ना समझे इस तरीके की और या फिर दूसरा व्यक्ति दूसरी किसी दूसरे धर्म को नीचा ना समझे और केवल अपने ही धर्म को ऊंचा समझे इस तरीके के झगड़े झंझट फसाद ना हो इसीलिए हमारे भारत देश में ऐसा प्रावधान किया गया हमारे संविधान में कि एक पर्टिकुलर धर्म के मानने के लोग लोगों को ना ज्यादा बढ़ावा मिले इसीलिए हमारे देश में ये प्रावधान किया गया या हमारे समाज में ये प्रावधान किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रीली और उनको अपने टाइप के जैसे कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग साइन सिंबल पूजा करने का अधिकार दिया गया है अपने अपने अकॉर्डिंग प्रेयर करने का अधिकार उनको मिला है कोई भी व्यक्ति फ्री है अपने धर्म को मानने के लिए और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रन करने के लिए लेकिन हमारे राष्ट्र का या कह लो हमारे नेशन का स्टेट का और हमारे देश का कंट्री का कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं रखा गया यानी कि पावर ऑफ आवर स्टेट एंड पावर ऑफ आवर इंडिया कंट्री दैट शुड भी ऑलवेज सेपरेटेड फ्राम एनी टाइप ऑफ रिलीजन यानी कि हमारे देश का कोई भी अपना एक धर्म नहीं होगा हमारे अपने देश, देश का या अपने हमारे देश के संविधान का कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा तो बच्चों वॉट इज द इंडियन सेक्युलरिज्म अब इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है यह हम थोड़ा पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर की जो भारतीय भारत का जो राज्य है वो सेक्युलर कंट्री होगा सेक्युलर कंट्री का मतलब दैट शुड भी सेपरेट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजन और दैट द पावर ऑफ स्टेट और नेशन दैट शुड बी ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम दी टाइप ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन ऐसा इसलिए है क्योंकि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर ऐसा इसलिए ताकि एक रिलीजियस कम्युनिटी एक धर्म के मान्य वाले जो लोग के समुदाय वाले लोग हैं वो दूसरे धर्म के मान्य वाले लोगों के ऊपर उनके समुदाय के ऊपर डोमिनेट ना हो जाए प्रभावी ज्यादा ना हो दूसरा दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी या फिर वो एक ही रिलीजियस कम्युनिटी में कुछ लोग ज्यादा हावी हो जाएंगे दूसरों के ऊपर है ना तो ये भी ऐसा ना हो तीसरा दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल कि जो हमारा राज्य है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी एक व्यक्ति को जबरदस्ती एक धर्म को मानने के लिए मजबूर करे या फिर उसके धर्म को उसके द्वारा मानने से रोके जैसे कि इस्लामिक कंट्रीज में होता है इस्लामिक कंट्रीज में क्या करते हैं कि जबरदस्ती हर एक चाहे वहां पे कोई भी व्यक्ति जाए चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो सभी लोगों को इस्लाम धर्म मानने के लिए मजबूर करते हैं कहते हैं कि नहीं आपको अपना धर्म वहां छोड़ना पड़ेगा इस्लामिक कंट्रीज में और केवल और केवल इस्लाम धर्म को ही मानने के लिए वो मजबूर करते हैं तो ऐसा हमारे भारत देश में बिल्कुल भी नहीं है कोई भी धर्म का व्यक्ति हो वो अपने धर्म को मानने के लिए अपने धर्म की प्रैक्टिस के लिए स्वतंत्र है तो इस तरीके से इंडियन जो है कुछ, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है सेकुलर स्टेट का मतलब हो गया कि अवर स्टेट और अवर नेशन अवर कंट्री दैट ऑलवेज शुड बी फ्री और सेपरेट फ्रॉम द टू लीड एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन यानी कि किसी भी प्रकार का एक ही धर्म को वो नहीं मानेगा राजधर्म और अपनी शक्ति का राज्य अपनी शक्ति का जो यूज है वो किसी भी एक धर्म के प्रभाव में नहीं करेगा यहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोगों को बराबर जो रूप से अधिकार है ठीक है और उनको सम्मान दिया जाता है अब हमारे पास एक और चीज रह गई है इसमें कि जैसे कि बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो लोअर कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ठीक है जैसे हिंदू समाज में भी देख लीजिए कि जो अपर कास्ट के लोग हैं सवर्ण लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों से एस सी से आज भी जो है समाज में विभेद करते हैं लेकिन धर्म में भी ऐसा कई कई जगह देखने को मिल जाता है कि जैसे मुस्लिम कंट्रीज में भी शिया और सुन्नी दो समुदाय वहां पर एक दूसरे से जो है शिया अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और सुन्नी लोगों को नीचा समझते हैं सुन्नी लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और शिया लोगों को अलग समझते हैं तो इस तरीके का जो क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है रिलीजियस ग्रुप वो अपने आप को जो सुपीरियर समझ रहा है कोई इन्फीरियर समझ रहा है ऐसे ही हिंदुइज्म में भी होता है कि पर्टिकुलर धर्म के मानने वाले लोग जैसे हिंदू लोग में से वेजिटेरियन अपने आप को सुपेर समझते हैं नॉन वेजिटेरियन जो है वो अपने आप को सुपेरियर समझते हैं और एक दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं तो इस तरीके के जो ऐसे ही बहुत जगह रहता है कि शैव धर्म और विष्णु धर्म के मानने वाले लोग होते हैं एक वैष्णव होते हैं एक क्या कहते हैं कि एक शैव धर्म वाले होते हैं तो जो शैव धर्म वाले होते हैं वो लॉर्ड शिवा को मान पूछते हैं और वैष्णव धर्म के माने लोग विष्णु भगवान को पूछते हैं तो वो एक दूसरे से अपने आप को पहले के जमाने में तेज समझते थे और एक दूसरे से सुपिर समझते तो ऐसा बिल्कुल ना हो इसीलिए हमारा जो कंट्री है वो बिल्कुल सेपरेट है इन सब टाइप के रिलीजियस से और यही चीज आगे जाकर के हमने जो फॉलो की है जो सेकुलर स्टेट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉलो किया है वो किससे फॉलो किया है वो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसका जो एक संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन उससे हमने इस चीज को लिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब प्रावधान किया गया एक सुधार किया गया और यहां बनाने रिस्पेक्टिंग एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन किसी भी टाइप का व्यक्ति हो उसको अपने धर्म को मानने से कोई रोक नहीं सकता और दूसरी बात है प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन कि आप किसी भी धर्म को किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर थोप नहीं सकते है ना फ्री एक्सरसाइज उसको आ, मतलब जो कंपल्स नहीं कर सकते उसको मजबूरी में है ना और इसीलिए यूएसए के एक्ट के अनुसार सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन दैट नाइदर द स्टेट नॉट रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन एन अदर कि कोई भी स्टेट जो है चाहे वो स्टेट हो और चाहे वो धर्म हो धर्म और राज्य दोनों ही एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड वेल दिस चैप्टर एंड प्लीज इस टाइम आप लोग पूरी प्रिकॉशंस बढ़ते हैं और uh, कोरोना वगैरह से अपने आप को पूरा फ्रीली रखें और इसके लिए प्लीज कीप स्टे अवे एंड टेक केयर ऑल थिंग्स एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज ऑल्सो टिल देन गुड बाय